दोस्तों, पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला 27 मार्च को शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 ओवरसीज खिलाड़ियों की जिन्हें पहले मैच में पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। दोस्तों, पंजाब किंग्स के प्रमुख ओवरसीज खिलाड़ियों में जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टन, कागिसो रबाडा और ओडेन स्मिथ रहने वाले हैं। लेकिन वहीं जॉनी बेयरस्टो हमें शुरुआती मैचों में खेलते दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में जॉनी बेयरस्टो की जगह भानुका राजपक्षे को टीम की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। भानुका राजपक्षे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते दिखाई दे सकते हैं। दूसरे बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन होंगे जो हमें पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। लियाम लिविंगस्टन मुंबई में टीम से जुड़ गए हैं। लियाम लिविंगस्टन पहले मैच से ही टीम के साथ होंगे। वहीं तीसरे ओवरसीज खिलाड़ी ओडेन स्मिथ होंगे। ओडेन स्मिथ भी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 टीम में शामिल होंगे। और चौथे ओवरसीज खिलाड़ी कागिसो रबाडा होंगे। कागिसो रबाडा भी हो सकता है पहले मैच से ही टीम के साथ दिखाई दें, क्योंकि कागिसो रबाडा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कागिसो रबाडा भी पहले ही मैच में टीम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 ओवरसीज खिलाड़ी जो बेंगलोर के खिलाफ पहला मैच खेल सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।